हेलो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारा न्यू एपिसोड में। आई एम लाल बाथ फ्रॉम गल्फ कंट्री से, ठीक है। अभी हम लोग को कुछ डेली डेली फूड सेफ्टी या हाइजीन के बारे में हम लोग अपना चैनल में, है ना, फूड सेफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से टॉपिक आप लोग फूड सेफ्टी के लिए हम लोग कुछ टॉपिक आप लोग साथ चूज़ करते करते आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। मैं आप देख रहे हैं बैक साइड में मैं कुछ आर्टिकल लिखा हूँ, इस आर्टिकल के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, है क्या है सेफ फूड माने आपको सुरक्षित भोजन, है ना। सेफ मीन्स सुरक्षित, प्रोटेक्टेड फूड। आपको फूड किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं, कौन सा बैरियर है, कौन सा सीसीपी है। मैं हमारा चैनल में इस तरह का मैं वीडियो आप लोगों को डाल दे रहता हूँ, है ना। सेफ फूड स्टार्ट हियर, शुरू कहाँ से होता है, छोटी सी जो बात है आप लोग को इस टॉपिक में, है ना, टॉपिक में हम लोग आप लोग साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो छोटा जो टिप चीज़ है आप लोग साथ मैं पिकअप करता हूँ, पिकअप करके जितना भी प्रॉब्लम है क्रिएट करता है, कैसे रखना है, किस तरह से हो सकता है, मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, आप लोग इसके बारे में। मेजरमेंट सिस्टम है किस तरह से होता रहता है, इसको हम लोग चार प्रकार के तरफ से हम लोग देखेंगे। सेफ फूड रखने के लिए किस प्रकार का आपको स्टेप रहता है, है ना। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी जो रिसर्च करता है लोग कैसे सर्च सेफ करने के लिए तरीका ढूंढता रहता है ना, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेफ फूड रखने के लिए स्टार्ट ईयर बोलता है, तो इसमें आपको चार तरीका बताया ताकि वो फूड सेफ हो सके। ये तरीका कौन कौन है मैं आप लोग को इस वीडियो के जरिए आप लोग सब बताऊंगा, है ना। फर्स्ट आता आपको वॉश करना। वॉश मीन्स सफाई, है ना, क्लीन, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइजीन, जो बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, वॉश मीन साफ सफाई रखना, है ना। फर्स्ट आपको सफाई रखना पड़ता है कि हैंड्स मीन्स आपको हाथ, है ना, हाथ। नेक्स्ट आपको आता है, फिर उसका आता है सबसे पहले हैंड आता है, उसके बाद क्या है आपको जिधर आप काम कर रहे हैं या तो जिधर आपका इक्विपमेंट है, है ना, इक्विपमेंट सिस्टम जैसे हांडी कड़ी बर्तन जो भी चीज़ है, उसको आपको साफ करना है। एंड उसके बाद आपको क्या है, सरफेस जिधर आप काम करते हैं, टेबल में काम करते हैं, नीचे काम करते हैं, फ्लोर में काम करते हैं, टाइल्स क्लीन, ये सब क्या है आपको पूरा टोटल किचन या टोटल वो आपको क्लीन करना है, वॉश मतलब सफाई करना है। इस तरह से पहला नंबर वॉश है। उसके बाद है सेकेंड आपको सर्व, क्या है, सर्व करना है। सर्व जब करते समय क्या करेगा आपको, वो सब किचन फूड में आपको सब करते समय क्या करते, कैसे करते हैं, है ना, डायरेक्ट आप हाथ से उठा के नहीं देते, डायरेक्ट हाथ से प्लेट में उठा के नहीं देते, उसका भी एक मेजरमेंट है, एक तरीका है, है ना। आपको क्या है उस टाइम क्या, आपको ग्लोव्स लगाना है, हैंड ग्लोव्स होता है, हैंड ग्लोव्स आपका और आपका जो हाथ है इधर उधर वो टच करते रहते हैं, तो इसको फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, हैंड्स को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्लोव्स चाहिए, क्या चाहिए, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स चाहिए। तब तक लगाकर आप उसके बाद आपको टोंग से या तो कोई स्पून से बिग स्पून से आपको इस्तेमाल करते हैं एंड फूड आपको सर्व करते हैं, क्या है, दिस इज द सर्व प्रोसेस। जैसे जो ड्राई चिकन होगा तो आपको ऐसे हाथ नहीं दिएगा,
आपको कुछ नहीं देगा, टोंग होना चाहिए, है ना, टोंग होना चाहिए, टोंग से आपको उठाकर उसको चिकन सर्व कर सकते हैं, या तो फूड कोई भी सर्व। स्टब उसके बाद क्या है कि स्टोर, थर्ड नंबर में आता क्या है, स्टोर, स्टोर करना बहुत जरूरी है। स्पेशल जो हम लोग जो जिधर रहते हैं उधर स्पेशल जो स्टोर है बहुत अच्छे तरीका से, प्रॉपर तरीका से, हाइजीन तरीका से, क्लीन तरीका से, है ना, गुड हाइजीन प्रैक्टिस के तरफ से आपको स्टोर करना बहुत जरूरी है। स्टोर में क्या है कि आपको कवर होना चाहिए, जो आप चिल्लर रखते हैं ना, कुछ भी खाना रखते हैं आप स्टोर कर जाते हैं, रॉ वेजिटेबल है, नॉन वेज है ना, स्टोर जब करते हैं तो उसमें क्या है आपको कवर लगाना बहुत जरूरी है। हर चीज में देखिएगा आपको टैग मिलेगा, लेवल मिलेगा, लेवल लेवल मिलेगा, है ना, इस फूड को इतना दिन से इतना पीरियड तक आपको खाना चाहिए, उसके बाद खाएगा तो आप हैम्बर हो सकते हैं, फूड हैम्बर हो सकता है, आपको बॉडी में हैम्बर हो सकता है ना। तो इसके टाइमिंग रहता है, एक्सपेरिमेंट एक्सपायरी डेट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। इसमें क्या है, दिस इज द लेबल, लेबल या तो कुछ जगह में रख रहे हो, स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ना, कुछ जगह में रख रहा हूँ, इधर नॉन वेज रखें, इधर वेजिटेबल रखें, इधर ड्राई स्टोर रखें, या इधर फ्रूट्स रखें, ऐसे नहीं, उसका भी लेबल है। ऑरेंज रखना तो ऑरेंज रखेगा, नॉन वेज रखेगा तो नॉन वेज रखेगा, इस तरह से क्या है, दिस इज द लेवल एंड दिस इज द कंपनी का हाई स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है ना, वो सब मेंटेनेंस मेंटेनेंस के हाई स्टैंडर्ड है। ये क्या है आपको स्टोर करने का तरीका। उसके बाद क्या है, चेक, कोई भी चेकर लोग है ना, कोई भी ऑडिटर है, कोई भी सिस्टम में जो काम करता है उसको क्या चेकिंग करना आता है, चाहे मैनेजर हो, एमडी हो, जो भी जो आउट ऑफ कॉर्पोरेशन के जो आदमी होगा, ज्यादा फूड सेट पे इंस्पेक्टर हो, है ना, ऑडिटर हो, वो क्या आपको चेक करता है, चेक करने आता है। चेक करने में क्या क्या देखता है आपको, क्लीन, क्या देखता है आपको, क्लीन, साफ सफाई है कि नहीं, गंदा में। अभी मैं उस कोलकाता में देख रहा था, कोलकाता में देख रहा था, मैं छुट्टी में गया था वैकेशन में, तो उस टाइम देखा कि इधर जो गार्बेज है, गार्बेज है, बहुत स्मेल वाला है, बगल में मसाला भी मसाला दुकान है, फूड सब्जी दुकान है, ये दुकान है, सब लाइन से लगा। मैं बोला व्हाट इज दिस, क्या है भाई, सिर्फ मसाला का दुकान है, मसाला का दुकान, मेरा फैमिली उसमें जाकर ले रहा है। फिर मैं क्या है, तुम मॉल से, सुपर मॉल से, या तो सुपर मार्केट से, या तो मोर से क्यों ले लेते हैं। मैं बोला उनको, मेरा वाइफ को मैं बोला, क्या हाइजीन सिस्टम का कुछ मालूम नहीं, इसीलिए तो इंडिया का आदमी इतना बीमार है, इतना हुआ है, मालूम नहीं है ना उनको, सिस्टमेटिक मालूम नहीं है ना। उधर गार्बेज है, गार्बेज रूम है, पूरा स्मेल मार रहा है, ये मान चले आपको गार्बेज रूम है, गार्बेज रूम है, इसका बगल में मसाला का दुकान है ना, मसाला का दुकान है। तो उसमें क्या है आपको, उसमें क्या है कि आपको मसाला के दुकान से आपको साफ ले रहा है, मसाला ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, जितना भी ये जो आपको जो गार्बेज है, गार्बेज है वो, गार्बेज क्या आपको उस फूड में ऑब्जर्व हो जाता है, वो जो हम लोग स्पाइसी मसाला वेजिटेबल जो फूड हम लोग खाते हैं, हमारा जितना भी बैक्टीरिया वायरस हो जो भी चीज़ हो हमारा अंदर में चल जाते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या बीमार होने का चांसेस ज्यादा रहता है, बीमार होने का चांस है। उसके बाद टेस्ट, टेस्ट भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है ना, इस तरह से आपको सेफ फूड रखने के बहुत सा मेथड है, बहुत सा तरीका है। आज ये जो सेफ फूड, अच्छा खाना है, अच्छा साफ सफाई खाना है, आज का तरीका नहीं, अभी तो वैज्ञानिक लोग ने आया, साइंस लोग ने आया, चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद घर में भी देखिए, अब मेरे दादा दादी भी पुराना जो आदमी लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि सफाई करते हैं, जैसे कि चिकन लेके धोना, सफाई करना,
बड़े से कुक करना, बड़े से सर्व करना, उसके बाद खाना क्या है, गरम गरम खाना, ये क्या पुराना तरीका है। लेकिन ये लोग ने जो है ना फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, या कोई वैज्ञानिक लोग ने इसको सिस्टम में लेके आया, सिस्टम में लेके इसको जस्ट इसको कन्वर्ट किया सिस्टम में। इस तरह से आपको इस तरह से प्रोसेस, इस तरह से प्रॉपर तरीका ये है वो है बनाने के, क्या आपको सिस्टम बनाया गया बस यही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग साथ मुलाकात करता हूँ आप लोग साथ।